तो गूगल का कहना है कि हम अपने यूजर्स की प्राइवेसी को सीरियसली लेते हैं और यूजर डेटा को थर्ड पार्टी ट्रैकर से बचाने के लिए हम लेकर आए हैं एक नई टेक्निक जिसका नाम है फ्लॉक। अभी फ्लॉक एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, हम यूजर्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये वाकई में इफेक्टिव है भी या नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आप जब किसी वेबसाइट पर कोई चीज सर्च करते हैं, लेट्स से आपने अमेज़न पर कोई स्मार्टफोन सर्च कर लिया, अब उस स्मार्टफोन की एड आपको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई दूसरी वेबसाइट जो भी आप विजिट करेंगे उस पर भी उसकी एड आपको दिखेगी। रीजन इसके पीछे ये है कि वेबसाइट्स आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करती हैं कुकीज के थ्रू। नहीं, ये वाले कुकीज नहीं, थर्ड पार्टी कुकीज की बात कर रहा हूँ। अभी कुकीज क्या है? कुकीज बेसिकली किसी वेबसाइट पर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के रिकॉर्ड की छोटी फाइल्स होती हैं जिन्हें वो वेबसाइट आपके ब्राउजर के थ्रू आपके डिवाइस में सेव कर देती है, जिससे आप दोबारा उस वेबसाइट पर कभी भी विजिट करें तो वहाँ पर आपकी आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने वहाँ पर सर्च किया था उससे रिलेटेड आइटम्स वहाँ पर आपको दिख जाएं। ये होती हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज जो आपको एक बेटर ऑनलाइन एक्सपीरियंस देने के लिए आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी कुकीज हैं वो यूज करते हैं एडवर्टाइजर्स अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू। इससे वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को चेक करते हैं जिससे वो आपके इंटरेस्ट का पता लगा पाएं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको एड्स डिलीवर कर सकें, विच इज ओके क्योंकि आपको सिर्फ उन्हीं चीजों की एड दिखाई देगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है और हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहे। लेकिन एड्स टारगेटिंग के अलावा थर्ड पार्टी कुकीज के जरिए आपकी सेंसिटिव डिटेल्स भी लीक हो सकती हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपस में शेयर करती रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होगी ही, ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात बन जाती है। अब इस चीज से बचने के लिए गूगल एक नया सॉल्यूशन लेकर आया है जिसका नाम है फ्लॉक, यानी फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहोर्ट्स। ये क्रोम ब्राउजर में से थर्ड पार्टी कुकीज को रिप्लेस कर देगा, यानी कोई भी वेबसाइट आपके डिवाइस में थर्ड पार्टी कुकीज को सेव नहीं कर पाएगी। तो अब क्या इंटरेस्ट बेस्ड ऐड खत्म हो जाएंगी क्योंकि कोई भी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा? वेल, द आंसर इज नो। गूगल क्रोम या कोई भी फ्लॉक एनेबल्ड ब्राउजर यूजर की ब्राउजिंग हैबिट्स को ट्रैक करेगा, मतलब एक यूजर किस तरह की वेबसाइट्स पर जाता है, किस तरह के वो प्रोडक्ट सर्च करता है, उसके हिसाब से वो सेम इंटरेस्ट वाले यूजर्स को एक ग्रुप में रखेगा और इस ग्रुप को ही बोला जाता है कोहोर्ट। अब मान लीजिए आप गाड़ियों के बारे में ज्यादा सर्च करते हैं तो आपको उन यूजर्स के कोहोर्ट में रखा जाएगा जिनका गाड़ियों में इंटरेस्ट है। एक कोहोर्ट में कुछ थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं और एक जो कोहोर्ट है उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है और इस आईडी के बेस पर ही आपको एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजमेंट है उनको डिलीवर करेंगे। यानी अब कोई भी एडवर्टाइजर आपको इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपको जो एड्स मिलेंगी वो उस कोहोर्ट आईडी के बेस पर ही आपको डिलीवर करी जाएंगी। अब मान लीजिए आपकी कोहोर्ट आईडी है 12345। अब जब आप कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो वो वेबसाइट ये आइडेंटिफाई करेगी कि 12345 कोहोर्ट आईडी वाले यूजर्स के इंटरेस्ट क्या है और उस हिसाब से ही आपको वहां पर एड वो पुश कर देगी। यानी टेक्निकली अगर बात करें तो आपको जो एड दिखाई गई है वो आपकी कोहोर्ट आईडी के बेस पर है, यानी उनको नहीं पता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा एक ही चीज पसंद आती रहेगी, हो सकता है कल तक आप टेक्निकल ग्रुप जो देख रहे थे और आज आप मिस्टीरियस मैन की देख रहे हो। मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पर क्रोम आपको एक अलग कोहोर्ट असाइन करता रहेगा। मतलब अब आपकी प्राइवेसी को भी कोई खतरा नहीं है और एडवर्टाइजर भी काफी हद तक रेलेवेंट एड्स को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे। वेल, दैट्स नॉट 100% ट्रू बिकॉज इसके साथ में कई सारे फ्लॉज भी हैं। फ्लॉक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है सपोर्ट की, क्योंकि ये सिर्फ गूगल के क्रोम ब्राउजर के अंदर ही काम करेगा। कई सारे मेन ब्राउजर वेंडर्स ने इसे अडॉप्ट करने से मना कर दिया है। रीजन इसके पीछे ये है कि वो ब्राउजर्स बाय डिफॉल्ट थर्ड पार्टी कुकीज को डिसेबल रखते हैं, तो ऐसे में वो इस फ्लॉक के चक्कर में क्यों ही पड़ेंगे जो एक ग्रुप ऑफ यूजर्स के इंटरेस्ट का डेटा एडवर्टाइजर्स को देता है। अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि जब बाकी ब्राउजर्स में जो थर्ड पार्टी कुकीज हैं बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती हैं तो गूगल ने अभी तक अपने क्रोम ब्राउजर में ऐसा क्यों नहीं किया और अभी भी ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी कुकीज को इसमें से नहीं हटा रहा है? वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि जो गूगल की रेवेन्यू का मेन सोर्स है वो है एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर थर्ड पार्टी कुकीज का मेन रोल रहता है। दूसरा, हो सकता है कि एडवर्टाइजर्स को भी ये चीज ज्यादा पसंद ना आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक कोहोर्ट के अंदर सभी यूजर्स के सारे ही इंटरेस्ट सेम हो, तो ऐसे में एडवर्टाइजर्स को 100% अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं मिल पाएगी जो कि उनके प्रॉफिट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि बाकी एडवर्टाइजर्स के अलावा गूगल के पास आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग हैबिट्स रहेंगी, तो ये पॉसिबल है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट करें उनमें से ज्यादातर पर आपको सिर्फ गूगल की ही एड्स देखने को मिले। एक स्मॉल वेबसाइट जिसकी ऑडियंस लिमिटेड है और उसके कंटेंट में इंटरेस्टेड है, अब यहाँ पर फ्लॉक क्या करेगा कि उन सभी लोगों को जो उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं उनको एक सिमिलर कोहोर्ट में डाल देगा
अब हो सकता है कि उस कोहोर्ट पर सेम कंटेंट प्रोवाइड करने वाली दूसरी वेबसाइट की ऐड चली जाए और उस छोटी वेबसाइट की सारी ही ऑडियंस उस बड़ी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाए, तो यहाँ पर उस छोटी वेबसाइट के डेड होने का खतरा भी बन जाता है। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेबसाइट ओनर्स के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात जरूर है। इसके अलावा भी फ्लो के कई सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कई सारे ब्राउजर इसे अडॉप्ट नहीं करने वाले। वैसे आपको इसमें से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि आपके ब्राउजर में एक्टिवेट है या नहीं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह के 3 बजे हुए हैं और मेरी शक्ल के 12। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।